नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं कविता सिंह। और मैं दामिनी कपूर। और मैं राहुल सुंदन। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंजीनियर्स डे पर शिमला में महाआयोजन, भवन निर्माण और आपदा प्रबंधन पर मंथन। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की दिव्य हिमाचल की कॉफी टेबल बुक, जनता को मिलेंगी अहम जानकारियां। और धर्मशाला में टूटे क्रिकेट प्रेमियों के अरमान, T20 मैच से पहले अंबर ने तालाब बना दिया मैदान। फिलहाल बंद नहीं होंगे बच्चों की कम संख्या वाले आंगनबाड़ी केंद्र। कांगड़ा के ठाकुर द्वारा में सुलगा सड़क पर चलता ट्रक। और हॉकी चैंपियनशिप में सिरमौर ने 11-0 से पटका कांगड़ा, मंडी चंबा का मैच टाई। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के विकास में अहम किरदार निभाने वाले अभियंताओं के सम्मान में रविवार को पीटरहॉफ शिमला में इंजीनियर्स डे पर महाआयोजन हुआ। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम के पहले सेशन में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। इस दौरान बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश कुमार अग्रवाल ने भूकंपरोधी भवन निर्माण पर विस्तार से जानकारी साझा की। इससे पहले लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव JC शर्मा ने मौजूदा समय में हो रहे निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर विचार रखे। दूसरा सत्र मशहूर हास्य कलाकार राजीव मल्होत्रा के चुटकुलों से शुरू हुआ, जिन्होंने पीटरहॉफ में उपस्थित गणमान्यों को खूब लोटपोट किया। वो आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैंने कहा हॉस्पिटल के बाद कि फोन लेते दिन अगर हंस बोलकर यारों के साथ, फोन लेते दिन हंस बोलकर अगर यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता आज मौजूदों में से जीवन आस्था लाओ। ये आइसर फिल्म के फ्लोर पे खड़े होकर टेंशन ले लीजिए, तेरे से कमाई देती पल्लू तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, भाई टेंशन में था, फिर फ्लोर से कूद गया नीचे, टेंशन में था फिर फ्लोर से कूद गया नीचे। जब फोर्थ फ्लोर पर आया तो उसे ध्यान में लड़का लग रहा है, और जब थर्ड फ्लोर पर आया ध्यान में बेटा तो ब्लॉक नहीं हुआ, और मस्त इस बात करें जब नीचे गिरा थोड़ू तो उसे ध्यान हो गया मेरा नाम तो बदलू भी नहीं आई, तो मस्त रहना सीखे इसने कहा आज मैं क्यों बदलू मतलब मैं क्यों बोले तेरे करने के बोले फटे। सेशन के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू पहुंचे। इस दौरान आपदा प्रबंध के विशेषज्ञ अंशुमन शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आपदा की राह में खतरे की घंटी बज रही है, जिससे निपटने के लिए हमें पर्यावरण को बचाना होगा। यहां उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से आपदा के बारे में अवगत करवाया और भवन निर्माण के लिए नियम बनाने की पैरवी की। इंजीनियर्स डे के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ में दिव्य हिमाचल की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जिनका मीडिया ग्रुप के प्रधान संपादक अनिल सोनी और अन्य अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद CM ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया और फिर कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। बुक में हिमाचल से जुड़ी कई अहम और रोचक जानकारियां हैं, जो जनता और देश विदेश से आने वाले सैलानियों को प्रदेश की खूबियों से रूबरू करवाएंगी। धर्मशाला में रविवार को क्रिकेट प्रेमियों के अरमान पानी में बह गए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले T20 मैच से ठीक आधा घंटा पहले ऐसी बारिश हुई कि मैदान तालाब बन गया। हालांकि बीच बीच में ग्राउंड को सुखाने की कोशिश होती रही, लेकिन बारिश भी सितम ढहाती रही। पानी इतना था कि मैच की संभावनाएं क्षीण होती नजर आई। अंतिम सूचना मिलने तक विशेषज्ञों का मानना था कि बारिश थम जाती है तो 5-5 ओवर का मैच खेला जा सकता है। बहरहाल अंबर के तेवर देख ऐसी संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। उधर बारिश ने क्रिकेट के दीवानों को मायूस कर दिया है। हिमाचल सहित देश भर के क्रिकेट प्रेमी धर्मशाला पहुंचे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश थम जाए और वे थोड़ी देर के लिए T20 का रोमांच ले सकें।
आए हैं? गुरदासपुर से है, पंजाब से, इतनी दूर से कम 90 किलोमीटर से है। तो क्या क्या यहाँ व्यवस्था आपको है? कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, बारिश हो रही है, कीचड़ रास्ते में आ रही है। बता दें कि मैच देखने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर, पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर और मुरली कार्तिक सहित तमाम हस्तियां धर्मशाला पहुंची हैं। हिमाचल में बच्चों की कम संख्या वाले आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। हालांकि कम छात्र संख्या वाले शिक्षण संस्थानों को बंद करने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मौजूदा समय में प्रदेश में कुल 18,916 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें लगभग 50,000 नन्हे मुन्ने बचपन के हसीन पल गुजार रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी केंद्र हैं जहां बच्चों की संख्या 10 से भी कम है। माना जा रहा था कि सरकार ऐसे केंद्रों को बंद कर देगी, लेकिन अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसी कोई भी योजना नहीं है। पंजाब सीमा से सटे कांगड़ा के ठाकुरद्वारा में शनिवार देर रात सड़क पर दौड़ रहे मल्टी एक्सल ट्रक में आग लग गई, जिससे चालक का कैबिन पूरी तरह से राख हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सुलगते ट्रक को चालक 100 मीटर तक दौड़ाता रहा। जब लपटें प्रबल होने लगी तो ड्राइवर ने छलांग लगा दी, जिस कारण उसकी जान बच गई। इसी बीच स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे पूरा ट्रक जलने से बच गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हिमाचल में मंगलवार से फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के तहत मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा में 21 सितंबर तक वर्षा होगी। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर अंबर कड़े तेवर दिखा सकता है। बात अगर रविवार की करें तो दिन की शुरुआत धूप खिलने से हुई, लेकिन दोपहर बाद आसमान में बादल घिरने शुरू हो गए और कई जगह ठंडी हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जिस कारण तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूर्वानुमान की पुष्टि की है। ब्यास की जलधाराओं में मौज मस्ती करने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने 2 महीने बाद रिवर राफ्टिंग पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। रविवार को मनाली में रिवर राफ्टिंग के शौकीनों की खूब भीड़ देखने को मिली। वहीं बंद पड़े राफ्टिंग काउंटर खुल जाने से कारोबारी भी चहकते नजर आए। जिला पर्यटन विकास अधिकारी वीसी नेगी ने बताया कि रिवर राफ्टिंग एजेंसियों को आदेश दिए गए हैं कि वे ट्रेंड गाइड्स रखें और सैलानियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। विभाग की एक कमेटी इन एजेंसियों पर नजर रखे हुए है। और अब खेल समाचार। छठी हिमाचल सीनियर स्टेटमेंट हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन पहले मैच में सिरमौर ने कांगड़ा को 11-0 से पटक दिया। मैच में सिरमौर के देवेंद्र ने 4 गोल दागे और टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक बनाई। दूसरा मैच मंडी रेड और चंबा के बीच खेला गया, जो कि 1-1 अंक के साथ बराबरी पर छूटा। सोमवार सुबह टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे, जबकि शाम को फाइनल। समापन अवसर पर खेल रत्न एवं पद्मश्री सरदार सिंह मुख्य अतिथि होंगे। और अब चलते चलते यमुना में डूबा देहरादून के दून कॉलेज का छात्र दोस्तों संग छुट्टी मनाने आया था पांवटा। शहीद सैनिक की विधवा के 32 लाख रुपए गोल करने पर आरोपी बैंक कर्मचारी मंडी से गिरफ्तार। परवाणु से 17 वर्षीय युवती किडनैप, 13 सितंबर को गई थी ऑफिस फिर नहीं लौटी। और लापरवाही पर चार्जशीट होंगे डॉक्टर, आईजीएमसी में ऑडिट के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं मोना चंदेल का गाया हुआ ये गीत। Jump!
पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।